हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाइलिश टीवी पर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे और आप इसी तरह एंटरटेन होते रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी सभी वीडियो से थोड़ी अलग है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट कर बताइएगा कि कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है या फिर मैंने कुछ मिस्टेक करी है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्स, जो कि आपको एंटरटेन करेंगे और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो दे ही देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस फैक्ट को बताने से पहले मैं आपको खुद पहले ये बता दूं कि मैं खुद लेफ्ट हैंडर हूँ। जो लेफ्ट हैंडर होते हैं वो राइट हैंडर की तुलना में ज़्यादा पीसी गेमिंग और आर्म गेम्स को भी अच्छी तरीके से खेल लेते हैं, और राइट हैंडर थोड़े इस मामले में वीक होते हैं। मतलब लेफ्ट हैंडर अच्छे से खेल पाते हैं और राइट हैंडर अच्छे से नहीं खेल पाते हैं। खेल तो दोनों लेते हैं लेकिन लेफ्ट हैंडर ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं। दूसरा फैक्ट फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है अगर हम एक घंटे या एक घंटे से ज़्यादा हेडफोन लगा लेते हैं तो हमारे कान में 700 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब उत्पन्न हो जाते हैं, कान में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हेडफोन का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी सुनने की एबिलिटी भी इससे कम होती है। फ्रेंड्स, मैं खुद जब हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता था या फिर उसको फुल वॉल्यूम में सुनता था तो मेरी सुनने की एबिलिटी कम हो जाती थी और मैं मतलब मुझे सुनाई कम देने लगता था। फ्रेंड्स, इसलिए मैं स्पीकर का यूज़ ज़्यादा करने लगा। फ्रेंड्स, मैं हेडफोन्स का यूज़ सिर्फ बाहर करता हूँ, घर पर तो कभी नहीं करता। या फिर हेडफोन का अगर यूज लगता है तो कभी कभी हेडफोन लगा लेता हूँ, नहीं तो स्पीकर से काम चला लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है अगर हमें एक मच्छर ने काट लिया है तो आप क्या करोगे? खुजा लोगे, क्योंकि खुजली चलती ही है, ऑब्वियसली सबको चलती है। लेकिन अगर आपको जिस जगह पर मच्छर ने काटा है उस जगह पर अगर आपने गर्म चम्मच लगा लिया तो उस जगह पर जो प्रोटीन निकलता है जो खुजली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन अपना इम्प्रेशन देना बंद कर देगा अगर आपने उस जगह पर चम्मच लगा लिया। फ्रेंड्स, ये भी एक मज़ेदार फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको खुजालना बुरा लगता है तो आप एक गर्म चम्मच लीजिए और उसे अपने हाथ पर या जहाँ पर भी काटा है वहाँ पर लगा लीजिए। हाँ, वहाँ पर भी लगा लीजिए। फ्रेंड्स, चौथा फैक्ट, क्या आप जानते हैं हमें कोई सा फैसला लेने में कठिनाई आ रही है या फिर हम कुछ फैसला ले नहीं पा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो आप एक सिक्का लीजिए और उसे उछालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हेड या टेल आए तो आप अपना फैसला बदल दीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप सिक्का उछालोगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या फैसला लेना है और सही फैसला होगा वो। तो फ्रेंड, देखते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, पांचवा फैक्ट है, क्या आप जानते हैं अगर आप किसी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो और उस सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हो और याद भी नहीं हो रहा आपको, तो आप ये सोचने लगो अपने अंदर ही अंदर कि आपको ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो। आपको अगर पढ़ने में परेशानी आ रही है और आप पढ़ नहीं पा रहे हो और आपको याद भी नहीं हो रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये सोचो कि ये चीज जो है, ये जो सब्जेक्ट है ये मुझे किसी और को पढ़ाना है, तो आपके दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा और आप उस चीज को ज्यादा एनालाइज करके अच्छी तरीके से पढ़ सकोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो जहाँ पर आपको गलती दिखे उस जगह पर आप हमें कमेंट कीजिए और हम उस चीज़ को सुधारेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, रुको, ये जो वीडियो थी आज, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। फ्रेंड्स, हम फैक्ट के बारे में एपिसोड बना रहे हैं, मतलब आज फर्स्ट एपिसोड हो गया तो अगली 5 या 6 वीडियो के बाद हम सेकंड एपिसोड देंगे और उसमें इन फैक्ट से अच्छे फैक्ट आपको बताएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे।